अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिक्रा सईद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड का इमेज बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो मैंने रिकॉर्ड करनी थी लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने एक भूल बना दिया। खैर, टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ, NS स्टैंड फॉर नर्वस सिस्टम के साथ कोऑपरेट करके वर्किंग करते हैं। अब नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिटेल में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और नर्वस सिस्टम आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये डकलेस ग्लैंड्स होते हैं और ये फिल्ड होते हैं ब्लड सप्लाई से, क्योंकि इनके कोई डक्ट्स नहीं होते। डक्ट्स का मतलब ये होता है कि नाली, ठीक है। इनकी अपनी कोई नाली नहीं होती जिसकी वजह से ये इनकी जो सीक्रेशन है ये ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। तो वो तमाम ग्लैंड्स जिनके सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होती है उनको डकलेस ग्लैंड्स कहा जाता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनमें से एक है, ठीक है। अब ये सीक्रेट क्या करते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं जिसको हार्मोन्स कहा जाता है, और हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कौन कौन से ग्लैंड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं उनकी डिटेल हम देखते हैं आज की वीडियो में। जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, फर्स्ट पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड थायराइड्स, थर्ड एड्रिनल ग्लैंड्स, फोर्थ पैनक्रियास एंड फिफ्थ गोनैड्स।